दोस्तों, अगर आप एक कम बजट में सीएनजी की गाड़ी देख रहे हैं क्योंकि आपकी ड्राइविंग डेली की है और आपको ऐसे फीचर्स तो मिल ही जाए जो कि डेली रिक्वायरमेंट्स में आते हैं, जैसे कि पावर विंडोज, म्यूजिक सिस्टम एटसेट्रा, तो ये वीडियो आपके लिए रहने वाली है। क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ आने वाली बहुत ही मजबूत गाड़ी के बारे में बताने वाला हूँ जो कि बूट के अंदर स्पेस भी ऑफर करती है इन स्पाइट ऑफ हैविंग सीएनजी इनसाइड द कार। चलिए देखते हैं। आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ टाटा पंच का सेकंड बेस लाइनअप, वो है टाटा पंच का एडवेंचर। एडवेंचर में भी आपको प्लेन एडवेंचर है, ये रिदम पैक नहीं है। रिदम पैक की ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, साइड में गाड़ी खड़ी है, वो देखनी है तो वो आप अपने चैनल पे अवेलेबल है, उसको देख सकते हैं। साथ में इन दोनों को कंपेयर करके भी मैं दिखाऊंगा। 40-50 हज़ार रुपये का डिफरेंस है सिर्फ, और अच्छे अच्छे फीचर्स आपको एडवेंचर रिदम में मिल जाते हैं। फिर भी मेरा एक फर्ज बनता है कि मैं आपको एडवेंचर वेरियंट दिखा दूँ। इस तरीके की चाबी मिलती है, यही वो वेरियंट है जिससे आपको ये वाली फ्लिप की मिलनी स्टार्ट होती है, अदरवाइज आपको नॉर्मल वाली की आती है जिसके आपको अंदर सेंट्रल लॉकिंग वगैरह नहीं मिलती है। खैर, ये है अपना पंच का एडवेंचर वेरिएंट सीएनजी के अंदर। सीएनजी की आपको बैजिंग यहाँ पे दिख रही होगी, साथ में अच्छा खासा बूट स्पेस भी मिल जाता है क्योंकि ये आते हैं अपने ट्विन सीएनजी सिलेंडर वाली टेक्नोलॉजी के साथ। इस तरीके से आपको बहुत ही बढ़िया 212 पता नहीं 220 लीटर के आसपास आपको यहाँ पे बूट स्पेस मिल जाता है, और इस तरीके से ट्विन सीएनजी सिलेंडर वाली टेक्नोलॉजी आपको देखने के लिए मिल जाती है। एक बार के लिए मैं बंद कर देता हूँ और आपको बताना शुरू करता हूँ। इस तरीके की चाबी है 8 लाख रुपए एक्स शोरूम, 9 लाख रुपए ऑन रोड, सिंपल सीधा हिसाब है। लुक आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया, बिल्ड क्वालिटी एकदम 5-स्टार, सेफ्टी क्या बात है, मतलब इंडिया सेफेस्ट कार और टाटा की सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ी। ये मैंने क्यों खोल के रखा है, क्योंकि मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ यहाँ पे आपको 90 डिग्री के एंगल पे डोर ओपनिंग मिलती है इस तरीके से। मतलब बड़े बूढ़े बुजुर्गों के लिए उतरना चढ़ना तो बहुत ही ईजी हो जाएगा, क्योंकि भाई इतने बढ़िया और इतने वाइड डोर ओपन मैंने आज तक किसी गाड़ी में नहीं देखे। आगे की लुक मैं बता दूँ आपको टाटा पंच के एडवेंचर सीएनजी में कैसी मिलती है, इस तरीके की आपको ओवरऑल लुक दिखती है। और हेडलैम्प्स आपको देखने के लिए जो मिलते हैं वो है रिफ्लेक्टर बेस्ड बल्ब, इसमें कुछ वो नहीं है। ऊपर की तरफ आप पायलट लैंप देख पा रहे होगे, इसमें भी आपको बल्ब मिलता है, इसमें भी कोई खास बात नहीं है, आपको नॉर्मल सा ही है, कुछ ज़्यादा नहीं मिलता। नीचे फॉग लैंप नहीं है, बस ऊपर की तरफ आपको हेडलैम्प मिलती है। यहाँ पे आपको एयर डैम जरूर मिल जाता है, यहाँ से आपकी हवा पास हो जाएगी और एरोडायनेमिक एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाएगी, जिससे आपको अच्छी खासी माइलेज मिलेगी। माइलेज से ज़्यादा इसकी पेट्रोल में जो माइलेज है वो है 21 किलोमीटर पर लीटर, और सीएनजी में 27 किलोमीटर पर किलोग्राम सीएनजी। 3D में जो टाटा का नया लोगो तो नया नहीं है, बट 3D में एक अच्छा रिफ्रेशिंग सा लग रहा है, तो उस तरीके से मिल जाता है। सामने आप ऑटोमेटिक वाइपर्स वगैरह तो नहीं मिलेगा, साइड में एक बार लुक देख लीजिए। एडवेंचर वेरिएंट लेने का बेनिफिट क्या है, आपको यहाँ पे एक तो बॉडी कलर डोर हैंडल्स मिल जाते हैं, बॉडी कलर्ड ORVM भी मिल जाता है, इसी के अंदर आपके टर्न इंडिकेटर्स प्लेस हैं, और क्लैडिंग ये चौड़ी चौड़ी क्लैडिंग, मतलब बहुत ही बड़ी बड़ी। साथ में आपको यहाँ पे टायर्स के ऊपर व्हील कैप मिल जाती है, टायर का साइज बहुत ही बढ़िया आपको यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ 185 की चौड़ाई है इसकी। आपको बता दूँ कि टाटा नेक्सॉन है ना, नेक्सॉन में भी दो लाइनअप मेड 185 mm की चौड़ाई मिलती है, तो कोई भी डिफरेंस नहीं है टायर की चौड़ाई को लेके। बाकी पूरा साइज़ क्या 185, 70, 15 इंचेस के हैं, नेक्सॉन में आपको 16 इंच के आते हैं, चौड़ाई मगर टायर्स की बराबर है। और बाहर से क्या है, आपको यहाँ पे शार्क फिन एंटीना नहीं मिलता, तार वाला मिलता है। ये वाली जो चीज़ है ना, छुटकू सी स्क्रीन, फ्लोटिंग स्क्रीन जिसको बोलते हैं, 7 सेंटीमीटर्स की है, सेंटीमीटर में बताते हैं, बट हाँ इतनी सी डिस्प्ले इसकी छुटकू सी। एक चीज़ अच्छी है कि अगर आपको बाहर से कोई म्यूजिक सिस्टम नहीं लगवाना है, कोई छोटी सी स्क्रीन मिल जाएगी, साथ में 4 स्पीकर्स बाई हारमन भी मिल जाएंगे, तो ये एक अच्छी चीज़ है जिन लोगों को बाहर से अपनी गाड़ी छिड़वानी नहीं, तो उसके लिए ये अच्छी चीज़ हो जाती है। डैशबोर्ड के राइट साइड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको सीएनजी का जो स्विच है वो मिल जाता है। स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स आपको एडवेंचर वेरिएंट से मिलने स्टार्ट हो जाते हैं, यहाँ पे आप अपने स्टेयरिंग को ऊपर या फिर नीचे कर पाएंगे बहुत ही ईजिली, कोई इशू नहीं है इसके अंदर भी। यहाँ पे आपको एसी के वेंट्स मिल जाते हैं, ब्लैक, ग्रीन, अगेन ब्लैक, इस तरीके से आपको यहाँ पे डैशबोर्ड का डिज़ाइन देखने के लिए मिलता है। ओवरऑल डिज़ाइन मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, ये टाटा पंच का एडवेंचर का डैशबोर्ड है, इस तरीके से आपको मिल जाता है। यहाँ पे आपको 4 स्पीकर्स मिल जाएंगे, 2 ट्विटर्स नहीं मिलेंगे, 2 ट्विटर्स और लेने हैं तो आपको ये एडवेंचर का रिदम पैक लेना पड़ेगा। बोटल होल्डर्स वगैरह आ जाएंगे, 4 स्पीकर जैसे मैंने बताया, यहाँ पे पर्स रख लेंगे, टिल्ट एडजस्टमेंट के साथ स्टेयरिंग व्हील आता है, यहाँ पे आपको बल्ब मिल जाता है, ऊपर की तरफ टिकट होल्डर है, और लेफ्ट साइड में आपको वैनिटी मिरर है, बहुत ही अच्छा काम है ये। हाँ, आपको एंटी ग्लेयर IRVM मिल जाएगा मैनुअल एडजस्टमेंट्स के साथ, ऑटोमेटिक तो ऑब्वियसली इसमें नहीं मिलेगा आपको। और क्या कुछ है जी, नीचे की तरफ आपको इस तरीके से फोन रखने का थोड़ा सा या फिर अपने पर्स वगैरह सामान थोड़ा बहुत रख सकते हैं वो मिल जाता है। 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट आपको यहाँ पे मिल जाता है, साथ में USB A टाइप मिल जाता है जो कि आपके चार्जिंग को
काम आएगा। यहाँ पे आपको अपना ग्लव बॉक्स मिल जाता है, ऊपर की तरफ भी स्पेस है, नीचे की तरफ भी स्पेस है, इसमें भी कोई इशू वाली बात नहीं है। डोर्स के अंदर आपको चारों की चारों पावर विंडो, हाँ एडवेंचर वेरिएंट से ही आपको चारों पावर विंडो इसी वेरिएंट से मिलनी स्टार्ट होती है। इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट के साथ मिलता है ये वाले जो ORVM सब वो, लेकिन हाँ फोल्ड नहीं होंगे, यानी कि रिट्रैक्टेबल नहीं है, एडजस्टेबल है खाली। यहाँ पे अपनी बोतल रख लेंगे, 1 लीटर वाली आ जाएगी, मिल्टन वाली नहीं आएगी जो बड़े साइज की होती है, नॉर्मल वाली आ जाएगी बिस्लेरी टाइप। यहाँ पे अपन अपना अम्ब्रेला रख सकते हैं। आई होप कि मैंने कुछ ज़्यादा छोड़ा ना हो। एडजस्टेबल आपको मिल जाते हैं हेडरेस्ट ऑन दी फ्रंट सीट्स, पीछे की तरफ आपको फिक्स मिलेंगे, पीछे भी चलेंगे। लेकिन हाँ नीचे बता दूँ कि आपको मैनुअल हैंड ब्रेक मिल जाता है, ट्विन स्मॉल कप होल्डर्स मिल जाते हैं, छोटा सा स्पेस यहाँ पे भी है, लेकिन आर्मरेस्ट आपको इसमें नहीं मिलता है। पीछे की तरफ आपको मैं ऑलरेडी बताऊँ एक चीज़, मैं ऑलरेडी मॉनिटर कर चुका हूँ, एकदम फ्लैट सरफेस मिलता है। फ़ोन रखने का थोड़ा सा स्पेस आपको यहाँ पे भी मिल जाता है, और आपको यहाँ पे भी बोतल होल्डर वगैरह मिल जाता है। 4 स्पीकर आते हैं इस गाड़ी में, वो मैं बता चुका हूँ। यहाँ पे फिक्स हेडरेस्ट है, पार्शल सेल्फ भी आपको यहाँ पे मिल जाती है। 212 लीटर्स का आपको यहाँ पे बूट स्पेस भी मिल जाता है CNG होने के बाद भी, बहुत ही अच्छी चीज़ है ये भी। खैर ये थी मेरी वीडियो, अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। पूरी की पूरी पंच सीरीज़ को मैं अब शूट करने वाला हूँ, नेक्स्ट वन की ऑलरेडी मैं पूरी सीरीज़ शूट कर चुका हूँ, चैनल पे वीडियोज़ अवेलेबल है। किसी भी वेरिएंट की देखनी हो तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। बाकी अगर कोई डाउट हो नेक्स्ट वन के बारे में, पंच के बारे में, टाटा की किसी भी गाड़ी के बारे में, मेरे को कॉमेंट में पूछ सकते हैं। आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। थैंक यू सो मच, बाय बाय।